हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट डेटा के बारे में जानेंगे, यानी कि मेरा जो टेबल है स्टूडेंट नाम का, जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, उस टेबल में अगर मुझे कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, कोई नया डेटा इनपुट करना है, तो कैसे करूँगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इसके लिए हमें एक मेथड जानने की आवश्यकता है, जिस मेथड को कहते हैं exc या exec। इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, तो कुछ लोग exec इसको स्पेल करके इसको बुलाते हैं, कुछ लोग exec कहते हैं इसको, क्योंकि एग्जीक्यूट का शायद शॉर्ट फॉर्म है इसीलिए। जैसे भी हो, आपको बस जानना ये है कि exec ये मेथड है और ये अपने आर्ग्यूमेंट में या फिर पैरामीटर में एक SQL स्टेटमेंट लेता है। ये मेथड क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स एन SQL स्टेटमेंट इन अ सिंगल फंक्शन कॉल रिटर्निंग द नंबर ऑफ रोज इफेक्टेड बाय द स्टेटमेंट। यानी कि ये एग्जीक्यूट करता है एक SQL स्टेटमेंट को और रिटर्न करता है इफेक्टेड रोज के नंबर को। कहने का मतलब ये है कि अगर इस मेथड में अगर हम लोग कोई इंसर्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, इंसर्ट का स्टेटमेंट से मतलब है SQL में इंसर्ट का स्टेटमेंट क्या होता है, इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम, और इस तरीके से हम लोग एक लिखते हैं स्टेटमेंट। सो ये जो स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू, ये कितने नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट कर रहा है, वह नंबर ऑफ रोज इससे रिटर्न हमें मिल सकता है, अगर आप रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो। अगर रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं चाहिए, मतलब हमें मतलब नहीं है कि कितना ये इफेक्ट कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, हमें बस अपना डेटा इंसर्ट करना है, तो सिंपली वह भी ये कर देगा। यानी कि ये SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तो करेगा ही, साथ में उससे ये रिटर्न भी ले लेगा कि कितने रॉ को वो इफेक्ट कर रहा है, उसकी उस एग्जीक्यूशन से कितना रॉ इफेक्ट हो रहा है उसको भी ये रिटर्न लेता है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। इट डज नॉट रिटर्न रिजल्ट्स फ्रॉम अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ये रिजल्ट को रिटर्न नहीं करता है। ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, ये सिर्फ इंसर्ट के साथ नहीं, बल्कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों के साथ इस मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी कि तीनों में इस मेथड का यूज़ किया जाएगा। सो इस मेथड को ध्यान में रखिएगा। सेलेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रिट्रीव करते हैं तब हम लोग क्वेरी मेथड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लोग exec मेथड यूज़ करते हैं। सो बस इतना ध्यान में रखना है। अब चलिए थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, उसके बाद इंसर्ट का कोड देखेंगे। मेरा डेटाबेस रन कर रहा है, यानी कि सर्वर मेरा रन कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्वर मेरा रन कर रहा है, MySQL भी रन कर रहा है। ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है, मेरे डेटाबेस का नाम है test_db, जिसमें एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, और इस टेबल में ये डेटा है 1 2 3 4 5 6 डेटा भी इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। फर्स्ट आईडी में राहुल 0001 पटना, इसका मतलब इसका अपना रिकॉर्ड है, इसका अपना रिकॉर्ड है, यानी कि कुल मिलाकर 6 रिकॉर्ड्स हैं हमारे टेबल में, स्टूडेंट नाम के टेबल में। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक नया डेटा इंसर्ट करूँ या फिर इसमें नया डेटा इनपुट करूँ, तो उस केस में आप इंसर्ट वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। कैसे इंसर्ट करते हैं, चलिए कोड में देखते हैं। कनेक्शन बनाने का कोड एज इट इज़ रहेगा, जैसा कनेक्शन हम लोग बनाते हैं जनरली वैसा ही कोड रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। सिर्फ इंसर्ट कैसे करना है इसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको SQL का स्टेटमेंट लिखना है इंसर्ट करने का, जिसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ लिखना है इंसर्ट इनटू, ये SQL की क्वेरी है, ठीक है, इसका PHP से कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं वह स्टूडेंट, यानी कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी कि इंसर्ट करो स्टूडेंट नाम के टेबल में, जिसमें कॉलम का क्या क्या नाम है, नेम में इंसर्ट करना है, रोल में इंसर्ट करना है, और एड्रेस में इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, उसके लिए आपको वैल्यूज़ यहाँ डिफाइन करनी पड़ती है। सो वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, पहला वैल्यू मैं दे देता हूँ, नाम है तो एक नाम दे दिया मैंने, अली कॉमा लिखना है, देन 101 ये आपका हो गया रोल, उसके बाद कॉमा देकर एड्रेस लिखना है, तो मैं एड्रेस भी यहाँ लिख देता हूँ रांची। इतने से हमारा काम हो गया, सेमी कलन दे देते हैं। अब एक सवाल आपके मन में आ सकती है कि यहाँ हम लोगों ने आईडी क्यों नहीं लिखा, यहाँ तो नेम, रोल, एड्रेस तीन ही चीज़ लिखा हुआ, आईडी भी तो है, यानी कि यहाँ अगर आप देखेंगे टेबल में तो यहाँ आईडी भी है। नेम, रोल, एड्रेस के लिए तो हम लोगों ने डेटा लिख लिया कि अली नेम में,
रोल में 107 और एड्रेस में रांची, लेकिन आईडी के लिए हम लोगों ने कोई डेटा नहीं लिखा और न ही आईडी को हमने वहाँ डिफाइन किया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो आप देखेंगे आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि इसके लिए हमें वैल्यूज़ देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाय वन इंक्रीज़ करेगा अपने वैल्यू को। सो इसके लिए आपको वैल्यूज़ देने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ कोड में इसको मेंशन नहीं किया। जैसे ये इंसर्ट होगा वैसे ही बाय वन इंक्रीज़ होगा और आईडी अपने आप एक वैल्यू ले लेगा। ओके, वापस से कोड में आते हैं। ये हम लोगों ने एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखा, इसको हम लोगों ने इस एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अभी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट करने का मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, इस एग्जीक्यूट करने का मेथड है exec और ये अपने पैरामीटर में क्या लेता है, एक स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट। आप चाहें तो इस पूरे को कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं या फिर ये पूरा किस में कहाँ है, इसमें है, तो सिंपली आप इसको कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं, जैसी मर्जी वैसी। और इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस कॉन ऑब्जेक्ट की, जो कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट है हमारा। सो यहाँ कॉन लिख देता हूँ मैं, ये हमारा कॉल हो गया, एग्जीक्यूट अब हो जाएगा ये हमारा स्टेटमेंट। अगर इतने में ही लिख कर हम लोग इसको सेव करें और देखें, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ डेटा, देखिए ब्राउज कर लेते हैं एक बार। देखिए अभी यहाँ 6 डेटा है, ठीक। इसको हम लोग सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये जो हमारा पेज है, जो हमारा एप्लीकेशन है उसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने एक बार, अभी वापस से अगर हम लोग यहाँ आकर देखें और इसको इस टेबल को रिफ्रेश करते हैं, एक नया डेटा आपको दिखाई देगा। देखिए 7 अली 107 रांची दिखाई दे रहा, यानी कि इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। बस ये दो लाइन आपको लिखना है और आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था कि ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है अफेक्टेड नंबर ऑफ़ रोज को। तो अगर अफेक्टेड नंबर ऑफ रोज आपको देखने हैं कि कितना डेटा मेरा इंसर्ट हुआ, कितना रोज मेरा इंसर्ट हुआ, तो उसके लिए आप इससे जो रिटर्न आ रहा है उसको सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। मैं यहाँ एक वेरिएबल बना रहा हूँ अफेक्टेड रो, जो भी रिटर्न करेगा वह इसमें स्टोर होगा, ठीक। अब उसके बाद इसको एको कर लेना, एको कर लेते हैं अफेक्टेड रो। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको ये बेहतर दिखे इसलिए लिख देता हूँ रो इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली, भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक br लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको इसमें हम लोग को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, लाइक एक और नया डेटा जाएगा तो इसमें नाम चेंज कर देते हैं। अली से मैं नाम चेंज करके इसको कर देता हूँ php और इसका रोल नंबर चेंज करके कर देते हैं 108 और इसका रांची से कर देते हैं दिल्ली। अब जब हम लोग इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे इस एप्लीकेशन को, तब क्या होगा, ये जो हमारा मेथड है ये एग्जीक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट को और हमारे डेटाबेस में यानी कि टेबल में जाकर एक नया डेटा जो कि जिसमें कि नेम php रोल नंबर 108 और एड्रेस दिल्ली इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के साथ ही ये जो मेथड है ये रिटर्न करेगा कितने डेटा इंसर्ट हुए, नंबर ऑफ रोज कितने, 1, तो वह 1 रिटर्न होगा इस अफेक्टेड रो वाले वेरिएबल में जो कि हम लोगों ने यहाँ एको किया हुआ, तो हमें दिखेगा 1 रॉ इंसर्टेड स्क्रीन पर। सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद इसको अब अभी अगर यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करें, अभी देखिए अभी इसमें सिर्फ 7 है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1 ये अफेक्टेड रो है, कितना अफेक्टेड अफेक्ट हुआ, 1 रो अफेक्ट हुआ है, तो 1 रो इंसर्टेड। और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको 8 आईडी के साथ एक नया डेटा देखने को मिलेगा। सो गाइज यही है कि किस तरीके से आप नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं पीडीओ में। इसको और बेहतर बनाने के लिए लोग इसको ट्राई के अंदर में लिखते हैं ताकि इंसर्ट करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे एक्सेप्शन बने और वो एक्सेप्शन यहाँ हमें देखने को मिले, तो लोग क्या करते हैं इसको यहाँ लिखते हैं। तो आप चाहें तो आप भी इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इस चीज़ को आप ट्राई कैच के अंदर में लिखिए, चाहे आप कहीं भी लिखिए, यहाँ भी लिखते तो यहाँ भी एक ट्राई कैच बनाकर आप इसको सेपरेटली लिख सकते थे, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हमारा यहाँ बना हुआ है तो आप इसको यहीं पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसी सेम चीज़ में एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यू लिखा है, आप चाहें तो यहाँ वेरिएबल भी लिख सकते हैं, यानी कि वैल्यू पहले उस वेरिएबल में असाइन कीजिए फिर उस वेरिएबल को यहाँ मेंशन कीजिए। कैसे करना है चलिए देखते हैं, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। लाइक मैंने यहाँ नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो है हमारा नाम है, तो मैं नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ,
यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं नेम इक्वल, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा PHP या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए PHP लिखता हूँ। उसके बाद एक रोल है, तो रोल के लिए नया वेरिएबल बना लिया मैंने, और यहाँ पर रोल लिख दीजिए लाइक 108। उसके बाद हमारा एक नीचे एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए एक नया वेरिएबल बना लीजिए, और यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए लाइक मैंने लिखा है दिल्ली, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा था उसको हम लोगों ने एक वेरिएबल में असाइन कर लिया, यहाँ जो लिखा था उसको भी मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर लिया, और यहाँ जो लिखा था उसको भी मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर लिया। अब यहाँ इस वैल्यूज़ को डायरेक्ट लिखने के बजाय आप यहाँ ये वेरिएबल्स लिखिए, लाइक नेम को यहाँ लिख दीजिए, रोल को लिखना है रोल के स्थान पर, और एड्रेस को लिखना है एड्रेस के स्थान पर। बस ध्यान रहे कि यहाँ जो सीक्वेंस आप देते हैं लाइक नेम लिखा उसके बाद रोल है उसके बाद एड्रेस है, तो उसी के सीक्वेंस में आपको यहाँ नेम लिखना है देन रोल देन एड्रेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ नेम लिखा है तो इसका भी वेरिएबल नेम नेम ही होना चाहिए, यहाँ रोल लिखा है तो यहाँ भी वेरिएबल नेम रोल ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ वेरिएबल का नाम, बट यहाँ तो ये सेम ही रहेगा, जो डेटाबेस का कॉलम का नाम है वह यहाँ रहेगा। ठीक, सो इतना करने के बाद अगर हम लोग अभी इसको रन करेंगे तो यही सेम चीज़ हमें इंसर्ट होकर दिखाई देगा, बट हम लोग क्या करते हैं इसको चेंज कर देते हैं। PHP की जगह मैं एक प्रॉपर नाम लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट लिख दिया, रोल नंबर हम लोग चेंज करके कर देते हैं इसको 109, और इसका जो एड्रेस है उसको दिल्ली से हटा कर कर देते हैं कोलकाता। ओके, अब नेम की जगह पर क्या है, जावास्क्रिप्ट आएगा, और रोल की जगह पर 109, और एड्रेस की जगह पर कोलकाता। ये इसकी ब्यूटी है। यहाँ आप आपको कुछ भी इस स्टेटमेंट के साथ कुछ भी छेड़खानी करने का सकता नहीं, आपको एक नया वैल्यू चाहिए आप यहाँ चेंज कीजिए इसको। अभी डेटाबेस में चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर देखिए अभी 8 रिकॉर्ड्स है, लास्ट रिकॉर्ड हमारा PHP का है। जब इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ दिखाएगा वन रॉ इंसर्टेड, और इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको एक 9th रिकॉर्ड एड होकर मिलेगा जो कि होगा जावास्क्रिप्ट 109 कोलकाता। तो ये भी आप यहाँ काम कर सकते हैं, बस इसको ध्यान में रखना है इस तरीके से कि आप पहले वेरिएबल में स्टोर कीजिए, फिर वेरिएबल का नाम आपको इस तरीके से सिंगल कॉट में इनक्लोज करके लिखना है। ये हमें आगे काम आने वाला है, कब, जब हम लोग देखेंगे कि एक प्रॉपर फॉर्म से एक फॉर्म बनाएंगे उसमें यूज़र डेटा इनपुट करेगा, और वह जो इनपुट करेगा वह डेटा हम लोग अपने डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, तो उसमें मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।